गाइज आज की वीडियो में आप लोग देख ही सकते हो भाई सीजन 2 का बंदा आ चुका है और उसके 1700 बैचेस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है 1700 बैचेस। और हम लोग इसको मारने का ट्राई करेंगे। और ये बंदा है ना 100 मतलब 100 लोग होते हैं ना ग्लोबल में, मतलब बैचेस में, ग्लोबल नहीं रीजन में, तो ये 100 में से आप कितने नंबर पे, आप लोग ये देखो। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो भाई, ये है उस बंदे का प्रोफाइल, मतलब ग्लोबल में है ये 68 नंबर पे शायद से, मेरे को याद नहीं है, पर हाँ 68 पे ही था। आप लोग एक बार देख लेना। और भाई आप लोगों ने देख लिया, इस बंदे ने 1700 बैचेस खरीद रखे हैं पर अभी इसके 1900 हैं। तो अभी हम लोग इसको मारेंगे। और मेरे को पता है ये बंदा ब्राज़ीला में ही उतरेगा, क्योंकि ब्राज़ीलिया में ही सब बंदे उतरते हैं जो भी अच्छे होते हैं। तो ये मैप आया था जो हमारे लिए एडवांटेज भी था, और मतलब कि पीक और या फिर क्लॉक टावर आता तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो पीक जा रहा है कि क्लॉक टावर, पर इस मैप में तो हमको पता ही है इसी जगह पर आएगा और कहीं नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग यही उतर गए। और वो देखो भाई सामने वो बंदा यहीं पर आ गया, सोलो और सी स्क्वाड था ये बंदा सामने अपने एकदम है। तो मैं तो भाई उसके पीछे ही जा रहा था, मैं बोला इसको मारेंगे कैसे भी करके। तो हम लोग इसको एकदम फॉलो कर रहे थे और हमारे पास फेल्को नहीं था, उसके पास फेल्को था, तो वो तो बहुत जल्दी कूद गया पर हम लोग नहीं कूद पाए। और हम लोग नीचे की तरफ जा ही रहे क्योंकि भाई अपने को गन मिल जाए फिर तो हम लोग मार देंगे सीज़न 1 हो सीज़न 2 हो कुछ भी हो। और नीचे इसलिए मैं एकदम उतरा, मैं बोला इसको मारना है कैसे भी करके। उसके बाद मेरे को गन नहीं मिला, उसके पास M60 थी, तो मेरे को लगा अरे भाई मेरे को गन नहीं मिली, मैंने उसको इससे मारने का ट्राई किया और एक हेड लगा और ये बंदा ख़त्म। भाई साहब इतनी आसानी से इसको मार दिया, मज़े ही आ गया मेरे को। मैं इमोट दिखाने वाला था फिर मैं सोचा छोड़ नहीं दिखाते क्या मतलब है, क्योंकि इतना बंदे ने बैचेस खरीदे इमोट दिखाते तो बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको इमोट नहीं दिखाया और उसको अपन लोगों ने मार दिया मस्त एकदम। अभी अपन लोग थोड़ा आगे जाते हैं लूट करके, क्योंकि अब यहाँ पे तो बंदे हैं नहीं, नीचे साइड है तो हम लोग नीचे साइड जाते हैं। यहाँ पे बहुत देर से भाई फायरिंग होती ही जा रही है, इसलिए हम लोग इधर साइड आ गए और इन लोगों को मारते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वाड फाइट कर रही थी, एक स्क्वाड मर चुकी है और एक ही स्क्वाड बची है, तो हम लोग जल्दी से रश करके उस स्क्वाड को मार देते हैं। शायद उनके तीन ही बंदे हैं तो हम लोग इसलिए घुस जाते हैं डायरेक्ट, कुछ होगा नहीं। और भाई कितना डैमेज दे रहे हैं, मेडिकल लेता हूँ एक सबसे पहले मैं, जल्दी से फिर जाते हैं उन लोगों को मारते हैं। वो तीन ही है इसलिए हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं होगा, मार ही देंगे, हम भी तीन हैं पर हम मार देंगे, हमको इतना पता है। तो जल्दी से घुस जाते हैं वरना अपने को किल नहीं मिलेगा। अब सीज़न 2 को मारा है तो थोड़ा किल भी चाहिए ना, इसलिए अपन लोग थोड़ा सा घूम के जाएंगे क्योंकि एकदम सीधे जाना सेफ नहीं है। और गाइज मेरा नेट भी नहीं चल रहा है यार, जो भी उठा रहा हूँ वो उठ ही नहीं रहा है, मतलब लेट से बहुत उठ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये गेम कभी 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 ग्लिच हो जाता है, पर मेरे को तो नहीं लगता है, मेरा नेट ख़राब है। और विशाल ने एक बंदे को मार दिया, अब शायद दो ही बंदे बचे, तो जल्दी से अपन लोग देखते हैं कहाँ पे। अभी एकदम एपिक सीन होगा, आप लोग देखो भाई क्या होगा, एकदम तगड़ा वाला। इस बंदे को मैंने मारने का ट्राई किया पर ऑग की स्किन नहीं है अपने पास, इसलिए भाई उसको 29 का ही डैमेज गया, नहीं तो अब तक शायद से मर गया होता। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक बंदा बाइक लेके जा रहा है, अभी देखना भाई क्या ही मस्त वाले इसको हेड दूंगा मैं। ये बंदा ऐसे सामने से जा रहा है, उसको एक हेड लगा, दो हेड लगा, इतना दो हेड लग गया, एक गोली और लग जाती तो वो नॉक हो जाता है, पर वो नॉक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जल्दी से घुस जाएंगे उसके पास क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज है, एक ही गोली का है वो बस। तो हम लोग यहाँ पे देखो भाई विशाल ने दो बंदे मार दिए, तो उधर के तो बंदे अब ख़त्म है, बस इधर ही एक बंदा है और इसको अपन लोग मारने का ट्राई करेंगे। और इसको ओपी से हेड लगे, ये नॉक हो गया, इस बंदे ने बहुत परेशान किया भाई अपने को, जल्दी से इसको पूरा मारते हैं और इससे लूट लेते हैं। और यहाँ पे भी अब कुछ नहीं है तो चलते हैं सेंटर, वहाँ पे बंदे मिल जाएंगे। तो अभी अपन लोग जाते हैं यहाँ से सेंट्रल, वहाँ पे बंदे होंगे, तो ये जिप लाइन से अपन लोग जाते हैं, वहाँ पे तो पक्का ही बंदे होंगे क्योंकि हमेशा ही रहते हैं। और ये UAV को उधर ही आना चाहिए भाई, थोड़ा सही भी होता अपने लिए। तो अभी जल्दी से अपन लोग जाते हैं, शायद से एकदम मेरा स्वागत कर देंगे ये लोग भाई, एकदम ही सामने होंगे। तो ये देखो भाई सामने एक बंदा भाग रहा है, चलो इसको मारते हैं सबसे पहले। इसकी स्क्वाड भी हो सकती है तो थोड़ा सही से अपने को खेलना होगा, मरना भी नहीं है और मारना भी अपने को। तो ये रहा बंदा, इसको मारने का जल्दी से जाते हैं, मेरे पास ग्लू भी सिर्फ 3 ही है, चलो कोई बात नहीं, इसको मारने का ट्राई करते हैं। एक हेड लगा 90 का और डैमेज देंगे, पीछे से मेरे को मारा किसी ने, मेरा बंदा, अरे मैंने उसको हेड दिए थे भाई, गलत सीन हो गया, अपन लोग फालतू मर गए, फालतू मरे भाई फालतू, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको एकदम लास्ट का दिखा देता हूँ क्योंकि अभी तो मतलब वही लोगों को इन लोगों ने मारा और बंदे भी नहीं मिल रहे थे, तो आपको मैं डायरेक्ट एकदम लास्ट का दिखाता हूँ क्योंकि इन लोगों का बुइया हो गया था। तो आप लोग देखो यहाँ पर, तो ये लास्ट में दो ही बंदे बचे हुए, अब मतलब तीन बंदे बचे हैं पर एक नॉक है, तो यहाँ पर सब ख़त्म। और अब देखो भाई ये बंदा एलिमिनेट हो जाएगा, ये विशाल, ये देखो भाई मेरा टीममेट वो एलिमिनेट, पता नहीं कैसे हो गया, अब मेरे को वो तो नहीं पता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगे होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, और कमेंट कर देना आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।